नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरें। सीसीटीवी फुटेज से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। एक लड़का इसमें पैदल चलता हुआ नजर आ रहा है। जगह है जयपुर के गोने रोड पर स्थित गौरव वाटिका कॉलोनी, जहां के एक मकान में ये लड़का किराए पर रहने वाले अपने रिश्तेदारों से मिलने आता था। ये लड़का खुद प्रेम नगर में किराए के कमरे में रहता था। दोसा किया रहने वाला ये लड़का गौरव वाटिका कॉलोनी में अपने रिश्तेदारों से मिलने आया जाया करता था, जिस पर इस मकान की मालकिन मंजू शर्मा इस लड़के को अक्सर टोकती थी कि ज्यादा आवाजाही मत करे। शेलू कभी दिन में तो कई रात में वक्त अपने रिश्तेदारों से मिलने पहुंच जाता था, लेकिन मकान मालकिन को ये अच्छी बात नहीं लगती थी। वो उसे बार बार टोकती थी। मकान मालकिन मंजू शर्मा की टोकाटाकी से लड़का तंग आ चुका था। फिर एक दिन उसके दिमाग ने एक ऐसा शैतानी प्लान बना लिया, जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप उठी। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। विधानसभा में भी छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर काफी हंगामा हुआ। इधर अब बायतू विधायक हरीश चौधरी ने इस पर भी छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आंदोलन को समर्थन दिया है। इस दौरान सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए विधायक हरीश चौधरी ने अपनी खून से लेटर लिखा और इसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेजा है। इस लेटर के जरिए विधायक ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। ओवरलोड डंपरों को रोकने के बाद ये विवाद शुरू हुआ था। बड़ी संख्या में बिना नंबर वाली कार से आए माफिया दो डंपरों को भी छुड़ा ले गए। मामला दोसा के लालसोट इलाके का है। इंस्पेक्टर ने लालसोट थाने में बजरी माफिया के खिलाफ जान से मारने की कोशिश करने, राजस्व कार्य में बाधा डालने, सरकारी रुपए लूटने का मुकदमा दर्ज कर दिया। नोहर बाईपास के समीप एक सुनसान जगह में बने होटल में एक युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। युवक के शव मिलने की सूचना पर मौके पर पहुंचे भारी भीड़ जमा हो गई। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा भी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और संपूर्ण मामले की जानकारी ली। मृतक की पहचान 35 वर्षीय देईदास गांव के प्रकाश के रूप में हुई है। बताया जाता है कि जिस होटल में युवक का शव मिला, वे होटल बाईपास के समीप खेत में सुनसान जगह में बना हुआ है। घटना की जानकारी मिलने पर देईदास गांव से परिजन भी मौके पर पहुंचे। परिजनों ने युवक की हत्या का आरोप लगाते हुए शव लेने से इनकार कर दिया। परिजनों का कहना था कि प्रकाश की हत्या की गई है। वे प्रकाश का पोस्टमार्टम तभी कराएंगे जब मामला खुलासा होगा। पुलिस ने परिजनों से काफी समझाइश की। इसके बाद परिजन शव का पोस्टमार्टम कराने को राजी हुए। थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने बताया कि प्रत्येक एंगल से मामले की जांच की जाएगी। राजस्थान में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश संगठन और सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पी जोशी उन क्षेत्रों में संवाद कार्यक्रम के जरिए कार्यकर्ता पदाधिकारी को संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, जिन क्षेत्रों में विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। विश्व का कल्याण हो, इस ध्येय को लेकर कोई संकट में आता तो भारत सबसे पहले जाकर खड़ा हो जाता है। आज यूक्रेन के युद्ध में 20,000 बच्चे फंसे, तिरंगा लगी हुई गाड़ियां जब निकली तो सारी बमबारी बंद हो गई, तिरंगे की ताकत पूरी दुनिया में पहुंची है। दोनों देश माननीय प्रधानमंत्री जी के फोन के बाद 4.5 घंटे बमबारी बंद कर देते हैं। हमें कुछ समझने की आवश्यकता है। ये तकलीफ उन लोगों को हो रही है कि कैसे महाभारती का वैभव पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, कैसे 10 सालों में 25 करोड़ लोग इतने सालों तक गरीबी की रेखा से बाहर नहीं आए और मोदी के राज में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ गए। ये ऐसे ही नहीं होता है मित्रों। जब कोई देश को अपना परिवार मानकर चलता है तब इस प्रकार के निर्णय और इस प्रकार के परिणाम आते हैं। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है और अभी भी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते सबसे पहला निर्णय 3 करोड़ मकानों जो बच गए उन गरीबों को आवंटन करने का काम केंद्र की सरकार करेगी। आखिर क्या ये लोग जिन्होंने देश में इतने सालों तक नारे और बाजे दिए,
कोई सड़क नहीं, कोई आवास नहीं, कोई शौचालय नहीं, कोई उत्तरा का कनेक्शन नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई पासपोर्ट ऑफिस नहीं, कोई अटले में मॉडल स्कूल नहीं, कोई टीएसपी नहीं, कोई रेलवे नहीं, कोई हाईवे नहीं। आप कल्पना करिए, कोई किसान सम्मान निधि नहीं, कोई फसल बीमा योजना नहीं, कोई किसान क्रेडिट कार्ड नहीं, आठवीं दसवीं बारहवीं का स्कूल सिर्फ नारे और वादे। कांग्रेस आएगी गरीबी मिटाएगी, कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। इस देश की गरीबी तो नहीं मिटाई, कांग्रेस के नेताओं की गरीबी मिटाई हम लोगों ने। मेरा आप सब लोगों से विनती है, चूंकि समय की ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कहने को केंद्र और राज्य सरकार की बहुत सारी बातें हैं कि हम लोग यहां से संकल्प लेके जाए। जो हमारे सनातन को गाली निकालते हैं क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदुत्व आतंकवादी कहते हैं क्या उनको सबक सिखाएंगे? जो हिंदू को हिंसक कहते हैं क्या हम उनको सबक सिखाएंगे? जो देश को कमजोर करने का काम करते हैं उनको सबक सिखाएंगे? जो जाति धर्म और पंथ के आधार पर देश को बांटने का काम करते हैं उनको सबक सिखाएंगे? प्रत्येक बूथ पर भाजपा का कमल को मजबूत करने का काम करेंगे? आगामी होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाएंगे? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आपके परिवार का एक सदस्य होने के नाते, आपका साथी होने के नाते, ये लोग कितने ही झूठी बातें कर ले, बार बार काटती हंडी चलने वाली नहीं है। अब ये नगर निकाय पंचायत राज और विधानसभा चुनाव में कमल का फूल खिलेगा, कमल का फूल खिलेगा। हम सब लोग यहां से संकल्प लेके जाए, तैयार है संकल्प के लिए तो उठाए दोनों हाथ और जयघोष करें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं हमारे बीच में राजू भाई साहब, मैंने कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से निकलकर दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमी में भारत पहुंच गया मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए क्या विश्व की ख्यातनाम संस्था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वो चीख चीख कर कहिए कि अगर यही अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई ताकत रही भारत की, तो मोदी के नेतृत्व में भारत शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत विश्व की बनेगा। कैसे भी तकलीफ कर, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2014 से पहले जिस प्रकार का दृश्य दुनिया में भारत का था, भय, भ्रष्टाचार, महंगाई, कभी 2G, कभी 3G, कभी कोयला, अनेक ऐसे स्कैम थे जिसकी मैं लंबे समय तक चर्चा कर सकता हूं। लेकिन आज विपक्ष के पास 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप मोदी सरकार पर नहीं लगा सकते। इनके समय भारत को कोई कमजोर बताते दुनिया में लोग, लेकिन मोदी के समय, मोदी जी के समय, आज कोई कह रहा है कि मोदी महान है, कोई कहता है मोदी हनुमान है, कोई कहता है प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, ये दुनिया के ताकतवर मुल्क के केवल राष्ट्राध्यक्ष कह रहे हैं। पहली बार जनजाति आयोग का गठन भाजपा के राज में हुआ। यहां टीएसपी क्षेत्र ये भाजपा के राज में बना। यहां गरीब को आवास देने का निर्णय भाजपा के राज में सबसे ज्यादा आवास मिले। ये नरेंद्र मोदी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, 10 सालों में यहां सरपंच भी बैठे होंगे, कितने सरपंच बैठे हैं? आपका रिकॉर्ड खाता उठा के देख लेना, 1947 से लेकर 2014 तक जितने प्रधानमंत्री आवास, जितने शौचालय, जितने जनधन के खाते और जितने उज्ज्वला के कनेक्शन 2014 तक मिले, उससे ज्यादा 2024 में
2014 से 24 में मिले, अगर ये नहीं मिला होगा तो मैं राजनीति से संन्यास लूंगा। ये समझने वाली बात है कि किसी क्षेत्र के लिए विकास के लिए, क्षेत्र के उन्नति और प्रगति के लिए, सबके उत्थान के लिए काम किया। ये मेडिकल कॉलेज कौन लेकर आया? ये आजादी से लेकर अब तक जितने केंद्रीय विद्यालय नहीं खुले उससे ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल खुले, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। चित्तौड़गढ़ प्रदेश के पेयजल की व्यवस्था संभाल रहे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को RBWSSC को हस्तांतरित करते हुए निगम बनाए जाने के विरोध में अधिकारी और कर्मचारी ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए जलदाय विभाग को निगम बनाए जाने का विरोध किया है। मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि पेयजल एक मूलभूत आवश्यकता है जिसे भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित किया गया है और जिस संस्था को हस्तांतरित किया जा रहा है वह पहले से ही कर्ज में डूबी हुई है। ऐसी स्थिति में इसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और आमजन से जल राजस्व वसूली के लिए जल शुल्क बढ़ाया जाएगा। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से अब राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने को लेकर बड़ा कदम उठाया जाएगा। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब देते हुए इस संबंध में जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने बताया कि राजस्थान के वन आच्छादित क्षेत्र को साल 2028 तक 20,000 हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अगले 5 साल में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। विधानसभा में चर्चा के बाद सदन में वन एवं पर्यावरण विभाग की 18,47,60,25,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित करती गई। अलवर जिले के भाजपा नेता यासीन खान की हत्या के मामले में नारायणपुर थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी महाराज सिंह और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के मुंगसका निवासी यासीन खान की 11 जुलाई को नारायणपुर इलाके में कुछ बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इस मामले में कोटपुतली के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 11 जुलाई को नारायणपुर इलाके में विजयपुरा के पास दो गाड़ियों में सवार होकर आए कुछ बदमाशों ने यासीन खान की साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जहां जयपुर के SMS अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस संबंध में भाजपा नेता के भाई ने हत्या का मामला दर्ज कराया। सावन के पहले दिन प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग में झमाझम के संकेत दिए हैं। आने वाले दिनों में राजस्थान में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ व टोंक में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा जोधपुर के बिलाड़ा में हुई। अगले 48 घंटों में भरतपुर, जयपुर और बीकानेर में उमस भरी गर्मी से बारिश की परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। राज्य में सर्वाधिक तापमान गंगानगर में 42.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।